Assalamu alaikum everyone. I am Ruhi Ruhima from Prime Public School, Bombay, Zangir. My loving kids, I hope you all are well. Today, I am going to teach you subject science for class first, lesson number five. In this lesson, we will learn about food and shelter for animals. First, food that animals eat. Second, तमाम जानवरों को बड़े होने के लिए और ताकत हासिल करने के लिए गुजा की जरूरत होती है जैसे कि हम अलग अलग टेस्ट के फूड प्रेफर करते हैं उसी तरह अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वह अलग अलग टाइप्स के फूड खाते हैं फूड के अलावा उन्हें शेल्टर की भी जरूरत होती है उनकी पनागाह है मीनस शेल्टर वो घर है जहां वो खुद को महफूज महसूस करते हैं किड्स लेट अस लर्न अबाउट

स गोट ज्राफ एट्सट्रा ये वो जानवर हैं जो प्लांट खाते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स इनको हम हर्बीवर्स भी कहते हैं सम एनिमल्स ईट ग्रीन लाइक पिजन, सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स जानवर दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं लाइक टाइगर फॉक्स वोल्चर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स इनको हम कॉर्निवर्स भी कहते हैं किड्स नाउ लेट अस लर्न व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स लिव वी आर लिव इन होम्स आवर होम गिव अस प्रोटेक्शन एनिमल्स डू नीड ए होम टू प्रोटेक्ट दम सेल्व फ्रॉम एंड एनिमल हम सब घरों में रहते हैं हमारे घर हमारी हिफाजत करते हैं जानवरों को भी गर्मी सर्दी बारिश और दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए घर की जरूरत होती है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो खुद अपने घर बनाते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इंसान के बनाए हुए घरों में रहते हैं एनिमल्स एनिमल्स होम। वो जो खुद अपना घर बनाते हैं बर्ड्स मेक दिस यूज़ लीव्स नेटन एटसट्रा टू मेक नेस्ट्स एग्जाम्पल स्पैरोलर बर्ड ए बी मेक्स ए हाई ए माउस डिग्स ए होल टू लिव इन सम एनिमल और कैप्ट इन मैन मेड होम कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इंसानों के बनाए हुए घर में रहते हैं डॉग्स और कैप्ट इन कैनल और कैप्ट इन शेड यू कैन सी दीज पिक्चर्स These are the animals that are kept in man made homes. Thank you. Have a nice day.